मेरी कितनी सोनोग्राफी हुई, मतलब कितने अल्ट्रासाउंड हुए और कब कब हुए, कहने का मतलब किस किस महीने में हुए, तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी कि कब कब मेरी सोनोग्राफी हुई है, किस किस महीने में हुई है और कितनी सोनोग्राफी हुई है, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि मेरे बच्चे का वेट कितना था, किस महीने में कितना वेट था और हार्ट बीट कितनी थी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं आप लोग, तो हर किसी को कमेंट के थ्रू बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाने की सोची जिससे आपके सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मेरा जो फर्स्ट स्कैन, फर्स्ट सोनोग्राफी हुई थी, वो हुई थी 6 वीक्स 1 डे में, मतलब 6 हफ्ते और 1 दिन हुआ था, तो मेरी सोनोग्राफी हुई, फर्स्ट स्कैन हुआ, और फर्स्ट स्कैन में बच्चे का वेट नहीं आता है, उसमें सिर्फ हार्ट बीट होती है, FHR करके आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है बीट्स पर मिनट, जितना भी होगा आपके बच्चे का हार्ट बीट वो शो करता है FHR में, आप अगर चेक करेंगे अपनी रिपोर्ट में, तो मेरे बच्चे का था 117 बीट्स पर मिनट, तो 117 बीट्स पर मिनट था फर्स्ट जो स्कैन आया हुआ था मेरा, तो करीब 1 महीना कंप्लीट करके मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ था, और सेकेंड स्कैन फिर मेरा हुआ 8 वीक और 4 डेज में, मतलब 8 हफ्ते और 1 दिन हुआ था, तो मेरा फिर सेकेंड स्कैन हुआ, और सेकेंड स्कैन में भी वेट नहीं दिया हुआ है, उसमें भी हार्ट बीट हो गया था 163 बीट्स पर मिनट, तो बच्चे की हार्ट बीट हर स्कैन में आपको चेंज मिलेगी, किसी में भी सेम नहीं होती है, तो फर्स्ट में मेरी थी 117 और सेकेंड में हो गई थी 163 बीट्स पर मिनट। थर्ड स्कैन हुआ था 15 वीक्स और 4 डेज कंप्लीट हो गए थे तब मेरा थर्ड स्कैन हुआ, और इस बार बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो 154 बीट्स पर मिनट थी, और इस बार वेट भी आया था बच्चे का, तो इस बच्चे का वेट था 120 ग्राम, और प्लस माइनस 18 ग्राम, वो इसलिए होता है कि अराउंड 120 ग्राम वेट था 15 वीक्स और 4 डेज में, मतलब 12 हफ्ते और 4 दिन में जो स्कैन हुआ था, तो उसमें हार्ट बीट आई थी 154 पर मिनट, और वेट आया था 120 ग्राम, तो ये बच्चे का वेट अभी थर्ड रिपोर्ट से मेरे आना शुरू हो गया था। तो जो मेरा थर्ड स्कैन हुआ, इसके पहले होता है जस्ट लेवल फर्स्ट का जो स्कैन होता है, जिसमें पता चलता है बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं, तो वो मेरा मिस हो गया था। मिस क्यों हो गया था? क्योंकि 1 सप्ताह ज़्यादा हो गए थे, मुझे लेट हो गया डॉक्टर के पास जाने में, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं था कि ये जो सोनोग्राफी होती है लेवल फर्स्ट की है, 13 से 14 वीक्स के बीच होती है, तो इसलिए वो फिर हो नहीं पाया, तो फिर मेरा नॉर्मल स्कैन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट ये 15 वीक्स 4 डेज की है। तो फिर इसके बाद मेरा लेवल सेकेंड स्कैन जो था, फिर वो टाइम पर हमने करवाया, और हमें डॉक्टर से काफ़ी डांट भी पड़ी थी कि मैंने लेवल फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो स्कैन हमने नहीं करवाया, क्योंकि मेरा बाइकोनॉट यूट्रस था और हमारी डॉक्टर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला था सारे स्कैन प्रॉपर करवाने हैं, और किसी कारण से हम गए नहीं, हमने थोड़ा सा लाइटली ले लिया कि चलो कोई नहीं, स्कैन का हमें पता नहीं था स्कैन होना है लेवल फर्स्ट, जिसकी वजह से हमारा मिस हो गया था। फिर सेकेंड वाला हमने टाइम पे करवाया, तो जो लेवल सेकेंड का, मतलब मेरी फोर्थ सोनोग्राफी जो, तो मेरी फोर्थ सोनोग्राफी हुई थी 19 हफ्ते और 3 डेज में, मतलब 19 वीक्स एंड 3 डेज में मेरी फोर्थ वाली सोनोग्राफी हुई लेवल सेकेंड की, और इसमें बच्चे की हार्ट बीट थी 152 बीट्स पर मिनट, मतलब 152 बीट्स पर मिनट थी और हार्ट बीट, और अभी वेट हो गया था मेरे बेबी का 281 ग्राम, मतलब 281 ग्राम,
और फिर उसके बाद मेरा 5th स्कैन हुआ काफ़ी डिस्टेंस में। उसके बीच डॉक्टर ने कोई स्कैन यानी कि अल्ट्रासाउंड रेकमेंड नहीं किया, पर रूटीन चेकअप के लिए मुझे बुलाते रहते थे। कभी 15 दिन में ही बुला लेते थे, कभी 1 महीने में। तो रूटीन चेकअप होते थे और डॉक्टर को भी जब कुछ प्रॉब्लम लगती है चेकअप के बाद, उनको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो स्कैन के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो भी आपका इतना फालतू बिल नहीं बनाएंगे। तो इसलिए बीच में उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी होगी, जिसकी वजह से फिर मेरा जो 5th वाला स्कैन हुआ वो हुआ था 37th वीक में, मतलब 37 हफ्ते में। यही कुछ मैंने 8 महीने कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद मेरा 5th वाला स्कैन हुआ था। ये स्कैन हुआ था टोटल 37 वीक्स प्लस 1 डे में हुआ था। 37 वीक्स एंड 1 डे हो गया था। बच्चे की हार्ट बीट थी 147 बीट्स पर मिनट, 147 हार्ट बीट थी उसकी। और बच्चे का वेट था 3037, मतलब 3037 ग्राम। और ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, वो भी रिपोर्ट में लिखा होता है प्लस माइनस वाला, कि इतना मतलब समथिंग होता है लगभग इतना। तो इस तरह से था मेरा 37th वीक्स तक का अल्ट्रासाउंड। तब ये पूरे 5 स्कैन की रिपोर्ट मेरे पास है, और बाकी के जो स्कैन हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, जो कि एक डिलीवरी के टाइम हुई थी और एक शायद और हुई थी जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो वो वाली रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में ही थी, वो मुझे दी नहीं गई, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई वहीं पे मेरे स्कैन भी हुए थे, तो वो रिपोर्ट्स नहीं मिली थी। तो इस वजह से इसके बाद की जो लास्ट वाली है मेरी डिलीवरी के टाइम वाली, वो रिपोर्ट है नहीं मेरे पास। तो इस तरह से था मेरा डिलीवरी तक का जो भी सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड सारे इस तरह से हुए थे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे कितने स्कैन हुए और कैसा कैसा बेबी का वेट हुआ और कैसी उसकी हार्ट बीट। तो आप देखेंगे हर रिपोर्ट में, सभी रिपोर्ट्स में अगर आप चेक करेंगे तो बच्चे की हार्ट बीट चेंज हुई है। और अगर आपको डिटेल में मेरी रिपोर्ट्स देखनी है या डिटेल्स में जानना है, तो आप प्रेगनेंसी जो मेरा चैनल है, तो उसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट में मैंने प्रेगनेंसी नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ वहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, साथ ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड अभी तक मैंने जितनी वीडियोज बनाई हैं तो वो सारी भी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग। जैसे आपको चाहिए कुछ, आपको मतलब क्वेश्चन है या कुछ डाउट है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं वहाँ पे वीडियो। और उसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई बात है जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लें। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जितना मुझे नॉलेज होगा, जितना मेरे से हो पाएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।